कहते हूँ। मैंने कहा ओके अभी बाय। तो कहती है कुछ काम है क्या? मैंने कहा हाँ काम है मुझे। कहती है ओके जाओ। मैंने कहा ओके बाय। तो कहती है बाय। गाइस अगर इससे आगे की चैटिंग आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो का अगला पार्ट देखना होगा। सो गाइस पार्ट टू में आप लोगों ने देखा था हमारे बीच लास्ट बातें 28 नवंबर को हुई थी। एंड गाइस उसके बाद ना तो इसने मुझे मैसेज किया था और ना ही मैंने इसे मैसेज किया था। फिर गाइस 2 दिसंबर को इसका मुझे मैसेज आता है, कहती गुड मॉर्निंग करण। मैं आपको बता दूं उस वक्त मैं ऑनलाइन नहीं था जिस वजह से उस वक्त मैंने इसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था। तो गाइस उसके बाद 1:34 पे इसका मुझे फिर मैसेज आता है, कहती है करण प्लीज रिप्लाई करो, बात करनी है आपसे। फीलिंग वेरी अलोन, सैड वाला इमोजी भेजती है। गाइस मैं आपको बता दूं उस वक्त भी मैं ऑनलाइन नहीं था तो उस वक्त भी मैंने इसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था। उसके बाद करीब रात को 9 बजे इसका मुझे फिर मैसेज आता है, कहती है करण प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, आपके नंबर पे कॉल भी नहीं लग रहा है। और ये रोने वाला इमोजी भेजती है, कहती है प्लीज एक बार बात कर लो प्लीज, और ये रोती है। गाइस मैं आपको बता दूं मैं उस वक्त भी ऑनलाइन नहीं था तो उस वक्त भी मैंने इसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था। उसके बाद रात को 9:13 पे जब मैं ऑनलाइन आता हूं तब मैंने इसे रिप्लाई किया। मैंने कहा एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम हर्ट हुई। तो कहती है आप सॉरी मत कहो प्लीज। मैंने कहा अरे मैंने जानबूझकर इग्नोर नहीं किया। तो कहती ओके कोई नहीं, पर बात करने के लिए थैंक यू सो मच, और ये रोती है। मैंने कहा इट्स ओके पर रो मत, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कहती है ओके नहीं रो रही मैं। मैंने कहा ओके। तो कहती है बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। मैंने कहा समझ सकता हूँ, संभालो खुद को, स्ट्रांग बनने की कोशिश करो। तो कहती है आज एहसास हुआ जब कोई अपना धोखा देता है तो कितनी तकलीफें होती है, मुझे माफ कर दो करण। गाइस मैं आपको बता दूं ये मुझसे बार बार माफी मांग रही है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गाइस ऐसे कोई भी मुझसे माफी मांगता है तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है यार। गाइस मैं आपको बता दूं मैं जानता हूं इसे सारी गलतियों का एहसास हो चुका है, और गाइस बड़ी बात ये नहीं है कि इसने गलती की है, बड़ी बात ये है कि इसे अपनी गलती की एहसास है, इसलिए गाइस मैंने इसे माफ कर दिया है। तो गाइस उसके बाद जब इसने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो करण, तो मैंने कहा अरे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है वरना तुमसे बात ही नहीं करता। कहती है थैंक यू सो मच, और ये रोती है। मैंने कहा इट्स ओके अब कितना थैंक यू बोलोगी? तो ये कहती है आप बहुत अच्छे हो करण, और ये रोती है। कहती है जिसे अपना समझा था उसने साथ नहीं दिया, पर मैंने जिसे पराया कर दिया था वो मुझे समझ रहा है, मेरी तकलीफों में मेरे साथ खड़ा है। यू आर रियली ग्रेट करण। दोस्तों आगे की चैटिंग देखने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर लो, रील्स वगैरह देखो, अगर पसंद आए तो लाइक वाइक कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी hutless8594। तो चलिएगा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब ये कहती है यू आर रियली ग्रेट करण, तो मैंने इससे कहा देखो बुरा वक्त जिंदगी में आना जरूरी होता है, वरना अपना कौन है और पराया कौन है इसका पहचान हम कैसे कर पाएंगे। सो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब खुद को स्ट्रांग करो और जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जिसने छोड़ा है तुम्हें वो तुमसे मिलने के लिए भी तरस जाए। कहती है करण कितने बदल गए हो ना आप। मैंने कहा मतलब? कहती है कितने समझदार हो गए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप वही करण हो। मैंने कहा वो वक्त वक्त की बात है, अब तुम भी समझदार हो जाओगी। कहती है कैसे? मैंने कहा आप जान जाओगी ना इस दुनिया को कि तुम जितना अच्छा करोगी तुम्हारे साथ उतना ही बुरा होगा, फिर धीरे धीरे खुद समझदार हो जाओगी। कहती है कितनी अच्छी बातें कर लेते हो आप। मैंने कहा कोई नहीं तुम भी सीख जाओगी। तो कहती है सिखाओगे आप मुझे? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो कहती है करण क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? मैंने कहा मैंने आज तक दोस्ती नहीं तोड़ी, दोस्ती तो तुमने तोड़ी थी। कहती है प्लीज माफ कर दो, हो गई ना गलती, हाथ जोड़ती है। मैंने कहा मैंने माफ कर दिया है तुम्हें? तो कहती है तो क्या अब हम दोस्त हैं? मैंने कहा तुमने ही तोड़ा था तो तुम ही जानोगी दोस्त है या नहीं। तो कहती है अब कभी नहीं तोड़ूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। मैंने कहा ओके। तो कहती है तो क्या अब आप मेरे दोस्त हो ना? मैंने कहा हाँ। तो कहती है सच्ची वाली दोस्ती ना? मैंने कहा मैं किसी से झूठी दोस्ती नहीं करता। कहती है करण मैं बहुत खुश हूँ सिर्फ आपकी वजह से। मैंने कहा अच्छी बात है, हमेशा खुश रहा करो। कहती है आप साथ रहोगे तो हमेशा खुश रहूंगी, स्माइल करती है। मैंने कहा बिल्कुल तुम खुश रहा करो हमेशा। तो कहती है ओके। मैंने कहा अच्छा सुनो। तो कहती है हाँ बोलिए। मैंने कहा आज मैं पूरा दिन घर से बाहर था तो बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ ओके। तो कहती है ओके आप सो जाओ। मैंने कहा ओके बाय गुड नाइट। तो कहती है ओके गुड नाइट। मैंने कहा ओके बाय। तो कहती है अच्छा सुनिए। मैंने कहा हाँ बोलो। तो कहती है अब मैसेज करूंगी तो रिप्लाई करेंगे ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहती है ओके फिर ठीक है। मैंने कहा ओके बाय। तो कहती है बाय। तो गाइस उस दिन हमारे बीच यहीं तक बातें हुई थी और आगे हमारे बीच कोई भी बातें नहीं हुई। उसके अगले दिन भी ना तो इसने मुझे मैसेज किया और ना ही मैंने इसे मैसेज किया। तो गाइस उसके अगले दिन इसका मुझे मैसेज आता है, कहती है गुड मॉर्निंग। तो गाइस उस वक्त मैं ऑनलाइन नहीं था तो जिस वजह से उस वक्त मैंने इसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था। उसके बाद जब मैं ऑनलाइन आया तो मैंने इसे मैसेज किया। मैंने कहा सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, लेकिन मैं आपको
बता दूं, इसने आज तक उस मैसेज को सीन नहीं किया है। ये मैसेज मैंने इसे 4 दिसंबर को किया था और आज है 9 दिसंबर, लेकिन अब तक इस मैसेज को इसने सीन नहीं किया है और ना ही इसने कोई रिप्लाई किया है। अब गाइस, इसने ऐसा क्यों किया, आखिर ये रिप्लाई क्यों नहीं करी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि गाइस मुझे नहीं पता है कि आखिर ये ऐसा क्यों करी है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि आगे अगर कभी भी इसका मुझे मैसेज आए तो मैं इसकी चैटिंग आपको जरूर दिखाऊंगा। सो गाइस, हमारे बीच लास्ट बातें 4 दिसंबर को ही हुई थी एंड उसके बाद आगे हमारे बीच अभी तक बातें नहीं हुई है। अगर आगे कभी भी हमारे बीच बातें होंगी तो मैं उसकी चैटिंग आपको जरूर दिखाऊंगा। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। और गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।